फैसला दिल्ली प्रदेश संगठन में लिया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्हें बहन जी का आशीर्वाद मिला है, या यूं कहें मायावती ने उन्हें अब दिल्ली प्रदेश पर जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। चौधरी सुरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे देखते हैं आप? माननीय बहन जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि बहन जी ने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं निश्चित तौर से उनका, पहले से मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, उनका सिपाही भी हूँ, उसी आस्था को लेकर मैं बहन जी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसको भी पूरी से निभाऊंगा और अपने सभी संगठन के साथियों से, अपने माननीय इधर पढ़ाई लगे हैं धर्मीय अशोक साहब, उधर महेश आर्य जी की, उनके नेतृत्व में काम करने का काम करूँगा। आप पहले BSP के विधायक रह चुके हैं गोपालपुर विधानसभा से, काफ़ी लंबा समय आपने BSP में गुजार दिया है, तो ऐसे में जो संगठन की अब जिम्मेदारी आपके पास है, क्योंकि पहले एक विधानसभा के विधायक रहे हैं और लंबे अरसे से फिर संगठन में भी आपको जिम्मेदारी दी गई थी, अहम जिम्मेदारी, अब क्या चुनौती रहेगी आगे, क्योंकि इस आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आम आदमी पार्टी में भी हलचल मचनी लाजमी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर कहें विधानसभा की गोकलपुर विधानसभा, वहाँ आपको एक मजबूत प्रतिद्वंदी मानती है, तो ऐसे में क्या कहेंगे, क्योंकि अब वो लागू पूरे प्रदेश में होने जा रहा है जो गोकलपुर विधानसभा में था। आज निश्चित तौर से जी ने जो आशीर्वाद करके भेजा है, मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से पूरे संगठन के लोग तैयार होकर बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार चुके हैं। हमारे पास सामने जो आज का जो टारगेट है, केवल बहन जी को देश का PM बनाना है, उसी के लिए हमें काम करना है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो 2020 में है, क्योंकि आज पूरा देश की ललकार है, और पूरा देश की विपक्ष पार्टियां चाहते हैं कि बहन जी देश की PM बने। जब पूरे देश की विपक्ष पार्टियाँ करती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं का भी, उस संगठन के लोगों का भी दायित्व बनता है कि निश्चित तौर से बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने क्षेत्र से हम सब यहाँ से सांसद बनाकर भेजें, जिससे कि बहन जी के लिए सांसद जीतेंगे, जब भी हम देश का बनाने का काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जाहिर तौर पर बहन जी ने आपको ये एक स्ट्रेटजी तैयार कर दी होगी कि किस पैटर्न पर अब काम करना है और किस रणनीति के तहत लोकसभा जो चुनाव है 2019 में उसको अंजाम तक पहुंचाना है। बहन जी समय समय बुलाकर हमें आदेश निर्देश करती रहती है, जो भी आदेश देती है उनको हम क्षेत्र में जाकर फॉलो करते हैं, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को बताने का काम करते हैं, क्योंकि बहन जी का जो आदेश ही चलता है, जो भी हमें सिस्टम बना के भेजते हैं कि आपने क्षेत्र में जाकर सिस्टम को लागू करना है, उसी को लागू करते हैं। और मेरा मानना है कि निश्चित तौर से यहाँ आज दिल्ली प्रदेश में मैं सभी को मान सम्मान से सम्मान देकर, किसी भी कार्यकर्ता का शोषण नहीं होगा, उनको पूरी तरह से सम्मान देकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। और ये मैं अपने संगठनों के साथ, पूरे अपने सम्मानित सभी पदाधिकारियों के साथ, मुझे उम्मीद है वो भी बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। आज उनकी भी चाहत बन गई है, वैसे अभी 10 जुलाई को एक मीटिंग होने वाली है, जो अगले महीने का हमारा जो सिस्टम बनने वाला है, जो बहन जी आदेश दिया है, उसको 10 तारीख को बताने का काम करेंगे, उसी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया जाएगा। उसी आधार पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो एक कार्यकर्ता है उसका शोषण ना हो, इसके लिए क्या अहम कदम उठाए जाएंगे? निश्चित तौर से हम धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि निश्चित तौर से एक कार्यकर्ता की क्या भावना होती है, क्योंकि हम भी पार्टी कार्यकर्ता, हम भी वार्ड अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, जिले में अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश में 5 बार प्रदेश का मैं महासचिव रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, माननीय बहन जी ने विधायक बनाया है, उधर बहन जी ने प्रभारी भी बनाया, आज बहन जी ने दूसरी जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठावान होकर मैं वादा करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को पूरा सम्मान मिलेगा, उनके जो काम की क्षमता को देखकर उनको आगे बढ़ाने का भी काम किया जाएगा, ये मेरा निश्चित रूप से अपना एम है, उद्देश्य है कि उनकी भावनाओं की बिल्कुल कदर रखी जाएगी और उन भावनाओं से खेला नहीं जाएगा, उनकी भावनाओं का हमेशा समाधान किया जाएगा। ये थे हमारे साथ चौधरी सुरेंद्र कुमार, जिनको अब
दिल्ली प्रदेश बसपा का अध्यक्ष बना दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अब उन, क्योंकि वो एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं बसपा में और आज उन्हें इसी बेस पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्यकर्ता का शोषण नहीं किया जाएगा और बहन जी को आगामी प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो रणनीति तैयार की गई है उस पर काम किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सुषमा पांडी देश में मानव देशांत की समानता के अधिकार की जो बात करती है। दूसरा क्या कि आज देश में अनेक पार्टियों को आप देख रहे हैं, देश में कभी गांधी की पार्टी की सरकार चलती है, कभी मनुवाद की सरकार चलती है। वर्तमान में जो सरकार चल रही है निश्चित तौर से ये दलित विरोधी सरकार चल रही है, OBC विरोधी सरकार चल रही है। और आप अच्छी तरह देखते हैं कि देश में जो हमारे सांसद भी जीत के आते हैं वो तमाम सारे सांसद गुलाम हो चुके हैं। यदि हमारे दिल्ली प्रदेश में यदि विधायक भी जीत रहे वो भी गुलाम विधायक बन के गए हैं। कोई भी एक व्यक्ति इस प्रदेश में जो भी शोषण हो रहा हो, हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा हो, तमाम उत्पीड़न हो रहा हो, एक भी विधायक आम आदमी का एक भी आदमी भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही देश की सरकार के जो भी सांसद हैं, इस देश में हो रहे अनेक प्रदेशों में जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, एक भी व्यक्ति सांसद इस देश के हो रहे अत्याचार पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सारे सांसद गुलाम हो चुके हैं। किसके गुलाम हो चुके हैं? मनुवाद के लोगों गुलाम हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो चुके हैं। जब वो बोलेंगे नहीं तो कौन सुनेगा इनकी? इस बात को माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, उन्होंने 24 सितंबर 1944 को अपने भाषण में कहा, मद्रास की उसमें एक मीटिंग में बोले वो, उन्होंने कहा है मेरे समाज के लोगों, मैंने आपको वोट का अधिकार तो दे दिया है, लेकिन जिस दिन इस वोट का को आप एक दिशा एक दल में वोट डालने का काम करेंगे तो निश्चित तौर से आने वाले भविष्य में आप लिख दो अपनी दीवारों पर इस देश के आप शासक बनेंगे। इसी बात को दोहराते फिर उन्होंने 25 अक्टूबर 1945 को फिर कम उत्तर प्रदेश की धरती पर वो अपना भाषण संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे मेरे समाज के लोग, मैं जानता हूँ कि तुम अकेले देश में शासक नहीं बन सकते, इस देश में आप अकेले शासक नहीं बन सकते, इसलिए आपको OBC समाज के लोगों को, अब सब लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को अपने साथ लाना होगा, उनको बताना होगा कि आपकी दूसरी पार्टी में कितनी ताकत है। आपकी केवल पूंछ लंबी तो हो सकती है लेकिन ताकतवर नहीं हो सकती। आज उदाहरण तौर पर आप देख रहे हैं, इस जो हम अपने वो कहने वाले दलित जो नेता कहते हैं आज, या पासवान कहता हो, या आपके उदित राज जी कहते हो, या आपके रामदास अठावले जी कहते हैं, तमाम सब जय भीम कहने वाले लोग आज श्री राम के चरणों में चले गए, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये तमाम इस तरह के बहुत सारे नेता ये भारतीय जनता पार्टी के मनुवादों के गुलाम हो चुके हैं, अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने परिवार के स्वार्थ के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए वो मंत्री बने, सांसद बने, लेकिन इस देश में हो रहे अत्याचार शोषण, हमारी बहनों के साथ जो उत्पीड़न शोषण बलात्कार हो किए जा रहे हैं, एक भी व्यक्ति ने देश की संसद में राज्यसभा में कहीं भी एक भी भाषण उतारने के लिए, उनको कहने के लिए, एक भी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने कहा, केवल बहन कुमावती जी ने समय समय पर हो रहे अत्याचार इस देश की धरती पर, जहाँ भी अत्याचार हुआ है, किसी भी प्रदेश में अत्याचार हुआ है या शोषण हुआ है, तमाम बहुत सारे उदाहरण हैं, लंबी बात हो जाएगी इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हर समय बहन जी ने राज्यसभा में जाकर अपने को दबंग के साथ, अपनी बात को ताकत के साथ समाज के लिए उठाने का काम करा, इसलिए हम बहन जी का नेतृत्व चाहते हैं और हम ये चाहते हैं देश में मनुवाद खत्म हो, इस देश से गांधीवाद विदा हो। हम सब की चाहत है अम्बेडकरवाद को हम चाहते हैं। अम्बेडकरवाद क्या है? अम्बेडकरवाद केवल संविधान है। इस संविधान के तहत हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, दिशा देने के लिए हमें वो संविधान की जरूरत है, उसकी रक्षा करने के लिए। नहीं तो यहाँ के कभी गांधीवाद के लोग उस संविधान में छेड़ाछाड़ी करते हैं, जो हमें मौलिक अधिकार मिले उनको वंचित कर दिया जाता है। तो ऐसे आज मनुवाद की सरकार, भारतीय जनता पार्टी हमारे अधिकार को छीनने का काम कर रही है। तो भी कभी नए नियम बनाते हैं, अभी एक नियम आया है कि हम 10 सेक्रेटरी बनाएंगे और उनको हम तमाम विभागों के उनको चीफ सेक्रेटरी बनाएंगे। तो क्या है भाई, हमारे पास IAS PCS हैं, क्यों उन लोगों को हम बनाते नहीं हैं? उनकी कहाँ जरूरत पड़ गई है?
वो चाहते हैं देश में इस संविधान का सम्मान न हो, इस संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं उसके तहत ही सरकार न चले। मेरा मानना है ये देश की सरकार संविधान के तहत चलनी चाहिए, ये प्रदेश की सरकार भी इस संविधान के तहत चलनी चाहिए। यदि संविधान के तहत चलेगी तभी देश में सिस्टम बनेगा, तभी हमारे समाज के लोगों का कल्याण विकास होगा, तभी लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। तो मेरा आपसे कहने का तात्पर्य है कि हम सब मिलकर केवल बहुजन समाज पार्टी की नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम सब की चाहत है। सुरेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी धरने प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखती है, क्या कारण है? हमने समय समय पर धरने प्रदर्शन किए हैं और एक साल लगातार हमने किए हैं। जनता मंत्र पे क्या जब भी बहन जी का हमें आदेश मिलता है उसी के तहत हम धरना प्रदर्शन, लेकिन धरना प्रदर्शन से हमें क्या मिलने वाला? हमारे लोगों की पिटाई होती है, चिताई होती है, उनको जेल डाल दिया था। दो अप्रैल के चक्र में देखो कितने हजार बच्चे हमारे आज जेलों की सलाखों में पड़े हैं। वो धरना प्रदर्शन से क्या हमारी कौन सुनने वाला? उनको हम छुटा नहीं सकते, उनका दुनिया भर के कानून लगाकर उनको जेल में अंदर भेज दिया अनेक, कभी कोई सी धारा कभी धारा, जबकि उन धारों से उनका मतलब नहीं है। तो मैं आज यदि गरीब आदमी इस देश में दलित सोची समाज के लोग अपनी आवाज़ भी उठाते हैं, उसकी आवाज़ को भी बंद करने का काम करते हैं। तो आज तो विपक्ष ने भी माना है कि अगर संविधान को अगर बचा सकते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती बचा सकते हैं। बिल्कुल मानना पड़ेगा इस बात को, तो क्योंकि और है ही नहीं उसको बचाने वाला। आज सभी को ओबीसी समाज के लोगों को भी पता चल गया है कि यदि ये संविधान नहीं बचेगा तो हम भी बचने वाले नहीं। जिस आधार पर हम इस संविधान में हमें शासक बनने का अधिकार मिला है, हमें मंत्री बनने का अधिकार मिला है, हमें एमपी विधायक पार्षद बनने का भी अधिकार मिला है, इस संविधान के तहत मिला है। क्योंकि ओबीसी समझते हैं ये भी चौथे वर्ण में आते हैं, ये भी चौथे वर्ग, कौन सी व्यवस्था? हिंदू व्यवस्था के आधार पर ये भी चौथे वर्ग में आते हैं। आज उनकी बात को जानकारी हो गई कि यदि दलित पर अत्याचार होगा तो कल मार्ग भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी एक तरह से पहले ये काफी वादे करती थी, बात की ओबीसी की, तो ओबीसी भी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्या? आप आम आदमी पार्टी के शासनकाल में ऐसा लगता है? निश्चित तौर से अभी जो सांसद बने, क्योंकि दिल्ली जो सरकार बनती है उसमें अहम भूमिका दलित और ओबीसी वर्ग की रही है, तो क्या ओबीसी दलित तो ठगा हुआ है ही, क्या ओबीसी भी अपना ठगा हुआ इसलिए समझ रहा है कि अभी जो इस प्रदेश में 3 शासन बने हैं उसमें 2 आपके वैश्य समाज से बने हैं, वो तीसरा आपके ठाकुर समाज से बना है। जब ठाकुर समाज से बना, वोट तो उन लोगों ने भी दी है, ब्राह्मण ने भी दी है, जाट ने भी दी है, गुज्जर ने भी दी है, दलितों ने भी वोट दी है, उनका भी तो कहीं ना कहीं भागीदारी होनी चाहिए। क्यों भागीदारी हुई, क्यों जनरल लोगों की भागीदारी हुई? ना ओबीसी को सम्मान मिला है, ना दलित को सम्मान मिला है, इसलिए वो अपने को, दोनों लोग अपने को ठगे की समाज समझ रहे हैं। महेंद्र प्रताप जी, मैं आपके पास आता हूँ कि अभी जो एक बाबा साहब का जो संविधान था उसके तहत सबको कलम पकड़ाने का काम किया था, और आज आम आदमी ने झाड़ू लेके उन गरीबों को फिर उनकी औकात दिखाने का काम किया, तो आप इसमें क्या कहेंगे झाड़ू के बारे में? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के अंदर कलम पकड़ाने का काम किया है, इसको भलीभांति सभी लोग जानते हैं। और बीजेपी के लोग जो आम आदमी पार्टी को पैदा किए, ये अलग नहीं है, ये दोनों एक हैं। केवल बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती ताकत को देख करके ये समय समय पर मुखौटा अलग बदल रहे हैं, और आज ये झाड़ू पकड़ा करके इस देश के अंदर पूरे दलित समाज का अपमान इन लोगों ने किया है। और जो बहुजन समाज पार्टी की नेता आज सम्मानीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी पूर्णतः बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद, मानवर कांसीराम साहब के बाद, जो महापुरुषों का सपना था इस देश में। चंद्रा जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने एक जुमला पहनाया था, जुमला दिखा कर, डमरू बजा कर, जो दलित समाज के लोगों को अपनी तरफ इन्होंने आकर्षित किया था, क्या 2019 में वो वोट इनसे अलग हटेगा? बिल्कुल हटेगा, क्योंकि
दिल्ली में खासतौर आम आदमी की पार्टी से की सरकार रही, इन्होंने 70 वादा किया था और 70 वादा में आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। शिक्षा को लेके अगर बात की जाए, शिक्षा बढ़ाने की बात की जाए, इन्होंने इनको पता ही नहीं है कि स्कूल बनाने के लिए लैंड जमीन लैंड हमारे अंडर में है या नहीं है, लेकिन सब कुछ भूल करके पूरे समाज को गुमराह किया। क्या अभी आपने देखा, 2-3 दिन पहले की बात है कि जो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन, ये सभी मिलकर एसी के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे एलजी को घेरने के लिए। क्या था उधर? बीजेपी मुख्यमंत्री के घर का घेराव कर रही थी, तो क्या था ये? ये इन लोगों का नूरा कुश्ती है, एक ड्रामा है। इस जनता देश में पानी के लिए परेशान हो रही है, सफाई के लिए परेशान हो रही है, स्वास्थ्य के लिए यहाँ जनता अस्पतालों में ठोकर खा रही है। ये लोग केवल जनता की इस यहाँ से भ्रमित कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, और जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधा नहीं दे रहे हैं। ये केवल नूरा कुश्ती दिखा रहे हैं कि हम समाज के हितैषी हैं। अब हम आते हैं सुरेश चंद्रा जी। सुरेश चंद्रा जी, अभी जो बहन जी का रिजर्वेशन है, प्रमोशन वाला जो मैटर था, उन्होंने राज्यसभा में पास करवा लिया था अपने बलबूते पे, अपने दम पर, लेकिन उसको कोई भी लीडर ये कह के राजी नहीं है कि जो राज्यसभा में पास किया था, लेकिन 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किसी ने भी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, तो आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, वो उठा कैसे सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कुछ नहीं है। वो सांसद भी बने हैं या राज्यसभा में भी गया है कोई, अगर सुनकाशा उनकी तरफ से गया है तो वो अपने बलबूते नहीं गए। और मानवर कांशीराम साहब का मूल सिद्धांत लागू होता है कि जिसका सहारा लोगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। तो जिस दल से वो लोग गए हैं वो ब्रह्मिनिकल सिस्टम के दल हैं, ब्रह्मिनिज्म के दल हैं। उस सिद्धांत पर चलने वाले दल उनको इजाज़त नहीं देते हैं, वो केवल उतनी ही बात करते हैं जो उन ब्रह्मिनिकल सिस्टम के राजनीतिक दलों के फायदे की चीज़ है, वो उनके लिए नहीं।